अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दिलदार सर है। दिलदार सर आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आपकी जो मेरी रेसिपी है वो है चने की दाल की बर्फी बनानी है, तो वो कैसे बनेगी आज मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हमारा चैनल दिलदार फूड रेसिपी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक ज्यादा पहुँच सके। तो ये कैसे बनेगी आज मैं आपको बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन कर लिया। यहाँ पर हम एक खूबसूरत सी यहाँ पर हम रखेंगे कढ़ाई, ये देखें। तो अब मैं इसमें डालूंगा ये 2 से 3 चम्मच घी के। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने घी डाल दिया। तो यहाँ पर देखें मैंने घी डाल दिया। तो अभी घी का हमारा गरम हो रहा है, माशाल्लाह आप देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और बहुत ही इतनी आसान बनेगी, आप देखते रहिए। ये देखें तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारा जो चैनल है दिलदार फूड रेसिपी, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, प्यार होता है और हमें नाम होता है, हमारे हौसले बुलंद हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखें घी हमारा गर्म हो रहा है। तो अब यहाँ पर घी हमारा गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें डालूंगा ये चने की दाल। तो यहाँ पर सारी हमने डालनी है, एक कतरा भी नहीं बचाना, इससे बरकत आती है। यहाँ पर देख सकते हैं तो ये दाल में डाल दी है। अब इसको हमने चम्मच के साथ हमने इस तरह आपने तो ये जैसे तैयार होती है फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये तैयार नहीं हो रही, तो इस तरह आपने चम्मच को हिलाते रहना है। तो ये जैसे तैयार होगी फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दाल हमारी तैयार हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं, ये देखें। तो अब मैं इसे बाहर निकाल कर आपको दिखाता हूँ। ये देखें इस तरह ये बाहर निकल गए, जैसे ही ये बाहर निकाल कर फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें तो यहाँ पर ये देखें मैंने दाल निकाल ली है। तो अब इसे ये ग्राइंडर वाले जग में डालता हूँ इस तरह, ये देखें इस तरह। फिर इसे ग्राइंडर करके ब्लेंड कर देंगे हम। तो यहाँ पर ये देखें मैंने डाल दिया जग में। तो अब मैं इसे ग्राइंडर करके डालता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो यहाँ पर मैंने चने की दाल को ये देखें ग्राइंडर कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है, ये देख सकते हैं। तो अब हम फ्लेम को ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर फ्लेम ऑन है। तो यहाँ पर मैंने ये चीनी ली है 1 पाव, यानी के 250 ग्राम, ये इसमें डाल देंगे इस तरह। तो ये देखें मैंने डाल दी है। तो अब इसे चम्मच की मदद से इसे इस तरह मैट कर देंगे। जैसे मैट होगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। तो यहाँ पर चीनी हमारी मैट हो गई है। तो अब मैं इसमें ये चने की दाल डालूंगा जो मैंने ग्राइंडर कर ली है, ये देखिए। तो यहाँ पर ये मैंने डाल दी है चने की दाल जो ग्राइंडर की थी वो मैंने डाल दिया। अब इसको भी हम इस तरह मिक्स कर लेंगे, ये देखिए इस तरह इस तरह। तो ये जैसे तैयार होगी फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब मैं इसमें ये घी डालने लगा हूँ। तो ये देखें ये घी में डाल दिया इसमें। तो अब इसको हम इस तरह हिलाते रहना है, ये देखें इस तरह, ये देखें। तो ये जैसे तैयार होगी फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें ये तैयार हो चुकी है, ये देख सकते हैं। तो अब मैं इसे एक बर्तन में डालूंगा, ये देखिए इस तरह। तो बर्तन ले लेते हैं, इसको आपने घी लगा लेना है, ये देखिए इस तरह। तो इस तरह आपने इस बर्तन में इसको डाल देना है, ये देखिए इस तरह। तो ये इसे डालकर
आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये मैंने इसमें डाल दिया है। ये देखें चने की दाल की जो आज की बर्फी बनानी थी, ये जो बनाई है ये इसमें मैंने डाल दिया। तो अब इसके ऊपर मैं ये थोड़ी सी बादाम और पिस्ता डालूंगा। ये देखें इस तरह। तो ये देखें, तो यहाँ पर मैंने डाल दिए। तो अब मैं इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगा। 2 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। तो हमारा 2 घंटा हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए, माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें और बरकतें, क्या उसने हमारे हाथों में रिस्क अदा किया और हमारे खानों में। तो माशाल्लाह अब मैं आपको इसे बाहर निकाल कर दिखाता हूँ। जैसे बाहर निकालूंगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मुझे जल्दी थी, तो यहाँ पर मैंने डिश भी तैयार कर ली है, आप देख सकते हैं। मैं जल्दी थी इसलिए मैं डिश तैयार कर ली है, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारा जो चैनल है।